हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी। शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चों का सबका कमेंट था लैब टेक्नीशियन के बारे में। जी हाँ, एलटी के बारे में कमेंट था कि सर लैब टेक्नीशियन के बारे में बताइए कि लैब टेक्नीशियन का पावापुरी में मुजफ्फरपुर में कितना कट ऑफ जाने वाला है। वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है ना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो आज हम बात कर लेंगे लैब टेक्नीशियन के बारे में, एलटी के बारे में, जिसको शॉर्ट में एलटी कहते हैं। देखिए, लैब टेक्नीशियन जो है, पहले भी कई बार कोर्स के हम बारे में बता चुके हैं कि बॉयज भी कर सकता है और गर्ल भी कर सकता है, और वही कर सकता है जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से ट्वेल्थ पास किया हो। आई ट्वेल्थ लेवल पे होता है, बिना ट्वेल्थ पास के ले आप जो है बायोलॉजी से बिना पास किए लैब टेक्नीशियन नहीं ले सकते। और इसमें जो लैब टेक्नीशियन होगा वो डीएमएलटी का कोर्स होगा, डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन, बैचलर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, बैचलर बीसीसी से होता है, पारा मेडिकल से पीएम से आपका सिर्फ डीएमएलटी होता है। 2 साल का कोर्स होता है मेरे भाई। जी हाँ, 2 ईयर्स का कोर्स होता है। 2 साल जब पढ़ लीजिएगा तो आपको यहाँ पे खून जांचने के लिए, पेशाब जांचने के लिए बहुत सारे जांच जो है यहाँ पे सिखा दिया जाएगा। ये करने के बाद आपको जॉब भी लगेगी, जॉब भी तुरंत लगती है, और जॉब लगने के साथ साथ आप खुद का अपना एक अलग जांच खोल सकते हैं, जांच घर, ठीक है। तो सुनिए, बात कर लेते एस आपको 2 कॉलेज, एक बात करेंगे एस के एम सी एच मुजफ्फरपुर, और एक बात करेंगे हम बी आई एम एस पावापुरी। जी हाँ, हम बात करेंगे एस के एम सी एच मुजफ्फरपुर और बी आई एम एस पावापुरी के बारे में। हम बात करेंगे कि बी आई एम एस पावापुरी में कट ऑफ कितना जाने वाला है और एस के एम सी एच मुजफ्फरपुर में कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो देखिए, आप लोग का जो रिजल्ट हुआ, पहले भी कई बार बता चुके, ओपन रैंक पे अगर देखा जाए तो ओपन रैंक पे एडमिशन होगा, उसमें 2 रैंक आया है, एक कैटेगरी रैंक आया है, एक यूआर रैंक आया है कि नहीं आया है, सबको आया है। हम यूआर की बात करें अगर, तो यूआर रैंक पूरे बिहार में जितने बच्चे एग्जाम दिए सबको दिया गया है, कैटेगरी रैंक भी सबको दिया गया, कैटेगरी वाइज कैटेगरी दिया गया है। तो यूआर रैंक अगर बात किया जाए मुजफ्फरपुर वाले कॉलेज में एस के एम सी एच में, तो यूआर रैंक चाहिए 280 से लेकर के 2007 के बीच। अगर आपका यूआर रैंक 280 से 2007 के बीच है तो आप एडमिशन हो जाएगा। चलिए, अगर हम कैटेगरी से जाए तो कैटेगरी में सबसे पहले बात कर लेंगे डिसेबल कोटा का, कि जो विकलांग स्टूडेंट है उनके लिए, जो विकलांग है उनका रैंक जो है कैटेगरी में 80 के आसपास होना चाहिए। और वैसे स्टूडेंट जो एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो जो एसटी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कम से कम 30 के आसपास रैंक होना बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट एससी कैटेगरी में आते हैं, जी हाँ, जो स्टूडेंट एससी कैटेगरी में आते हैं उनका एससी रैंक जो है 301 से लेकर के 477 के बीच होना जरूरी है, तब आप मुजफ्फरपुर में काउंसिलिंग के लिए मिल जाएगा सीट। अगर आप बीसी कैटेगरी में आते और आपका बीसी रैंक 642 से 671 के बीच में है तो मुजफ्फरपुर वाले में काउंसिलिंग कराओ, मिल जाएगा। अगर आप ईबीसी कैटेगरी से आते और आपका ईबीसी रैंक 324 से 346 के आसपास है तो आपका यहाँ पे मुजफ्फरपुर वाले में सीट मिलेगा। अगर आप आरसीजी कैटेगरी से हैं और आपका आरसीजी रैंक 777 है के आसपास भी है तो आप काउंसिलिंग करा लो, मिल जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और आपका ईडब्ल्यूएस रैंक 184 से 685 के बीच है तो काउंसलिंग कराओ, आपको सीट मिलेगा। जबकि यही बात हम कर ले बीआईएमएस पावापुरी, वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पावापुरी की अगर बात करें, तो पावापुरी में जो यूआर रैंक होना चाहिए सबको वो 81 से लेकर के 284 के बीच होना चाहिए, 81 से लेकर के 284 के बीच होना चाहिए। अगर हम कैटेगरी पर जाएं तो डिसेबल कोटा पर अगर जाएं तो कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो डीक्यू वालों के लिए चाहिए रैंक 108 से लेकर के 183 के बीच। लेकिन अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं तो एससी वालों के लिए एससी रैंक जो होना चाहिए 231 से लेकर के 400 के बीच होना चाहिए। अगर आप बीसी कैटेगरी में है और आपका बीसी रैंक 656 से लेकर 1187 के बीच है तो काउंसिलिंग कराओ, बीआईएमएस में एडमिशन मिल जाएगा।
अगर आप ई बी सी कैटेगरी से आते हैं और आपका ई बी सी रैंक जो है 380 से लेकर के 709 के बीच है, 380 से लेकर के 709 के बीच है, तो आप काउंसलिंग कराओ, सीट मिलेगा। अगर आप आर सी जी कैटेगरी में और आपका आर सी जी रैंक 917 से लेकर के 1713 के बीच आता है, तो आप काउंसलिंग कराओ, सीट मिल जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यू एस कैटेगरी में आते हो और आपका ईडब्ल्यू एस रैंक जो है 266 के आसपास है, तो अभी आप काउंसलिंग कराओ, आपका सीट मिलेगा। ठीक है, ये कट ऑफ अपना कैटेगरी मिला लीजिए और यूआर मिला लीजिए, दोनों मिला लीजिए, उसके बाद इसके अंतर्गत आता है, तो दोनों कॉलेज में काउंसलिंग करवा दीजिए। आपको एक दोनों काउंसलिंग, अगर आपका कैटेगरी मिलता है, रैंक इतना भी इसके आसपास भी है, 10-20 आगे अंक है पीछे है, कोई दिक्कत नहीं, तो सबसे पहले इसे का नाम देना है इसी कॉलेज का, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।